नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही जॉब्स अड्डा में। तो दोस्तों आज जो है पोस्ट ऑफिस में नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और बम्पर भर्ती है दोस्तों, बहुत ही बड़ी जो वैकेंसीज, बड़े मात्रा में जो वैकेंसीज निकली हैं उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो जो बनाने जा रहे हैं और ऑनलाइन जो है उसकी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इसके साथ ही और भी बहुत सारी 2022 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसके जो समय समय पर आपको जो वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपको हर एक वीडियो और हर एक नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल के आइकन को प्रेस करके उसमें से ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे जो है अधूरा ना रह पाए, मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो पोस्ट ऑफिस में निकली नई वैकेंसीज, हम आ चुके हैं www.freejobalert.com की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों होम पेज पे हम इस टाइम तो दोस्तों सबसे ऊपर न्यू अपडेट्स की जो ऑप्शन रहती है वहां पे भी इसका जो है मेंशन किया हुआ है। इंडिया पोस्ट 38,926 GDS 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों 38,926 जो नई वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस में आ चुकी हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा इंडियन पोस्ट GDS अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉब नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जॉब नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसमें सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट है इंडिया पोस्ट 38,926 GDS 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि मैं आपको इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ। लीजिए दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इसमें थोड़ी सी जो है डिटेल बताई रहती है, उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है ऑफिशियल साइट का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरे लिंक जो दिए रहते हैं आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, आप भी इसी साइट पे जाके आराम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, नोटिफिकेशन का लिंक तीसरे नंबर पे मिल जाता है और ऑफिशियल साइट पर अगर जाना चाहते हो तो ऑफिशियल साइट का लिंक यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड और आपके सामने पूरी डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए दोस्तों हमारे सामने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ओपन हो चुका है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक GDS एज BPM जिसे कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर बोलते हैं, और दूसरी जो वैकेंसी है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर डाक सेवक। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट https://indiapostgdsonline.gov.in। तो दोस्तों इस ऑनलाइन लिंक पर जाके आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। दोस्तों किसी भी और वे के थ्रू जो आप अगर एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया जाता है ये फॉर्म फिल करने के लिए। उसके साथ ही दोस्तों डिटेल ऑफ द वेकेंट पोस्ट फॉर विच एप्लीकेशन आर कॉल्ड फॉर आर गिवन इन एनेक्सर ए। तो दोस्तों एनेक्सर ए जो नीचे अटैच किया गया उसमें सारी डिटेल है उसकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है दोस्तों एंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होनी है और कब लास्ट डेट है वो पूरी डिटेल्स में दी गई है। लीजिए दोस्तों 2 मई 2022 को जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 5 जून 2022 को इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आती है सैलरी की बात। तो दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी जो है ब्रांच पोस्ट मैनेजर जो है उसकी 12,000 सैलरी स्टार्टिंग है, और दूसरा जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर जिसको डाक सेवक भी बोला गया है उसकी जो 10,000 सैलरी जो स्टार्टिंग में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी में। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों मिनिमम जो एज है आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, और उसके अलावा मैक्सिमम एज जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर तक जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा SC ST और BC OBC को जो अलग से छोट दी जाएगी, जो अलग से सरकार की जो रूल्स के अकॉर्डिंग छोड़ दी जाती है आप इस टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की अलग से छूट दी जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लास जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको कोई छूट नहीं दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है जी, पर्सनली जो डिसेबिलिटी के साथ पर्सन है उनको 10 साल की छूट दी जाती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी के साथ जिस जो कैंडिडेट हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं
उनको दोस्तों 13 साल की छूट दी जाती है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD SC ST तो उनको दोस्तों 15 साल की छूट मिलेगी एज की रिलैक्शन में से। तो दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपके पास जो 10th लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी 10th जो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें दोस्तों आपके पास मैथ और इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव जो है सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा हुआ जरूरी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आपका जो है सर्टिफिकेट आपके स्टेट का जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है क्वालिफाई और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू जो कि है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो दोस्तों आप जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, जो जो भी सिटी में या फिर जो जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उसके वहां के लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपके पास जो है 10th लेवल तक उस एरिया का जो है लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों नीचे 7 नंबर पे जो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो दोस्तों जो है डाक ग्रामीण डाक सेवक है, उसके लिए साइकिलिंग की नॉलेज जरूरी है, साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों साथ ही साथ राइडिंग ऑफ स्कूटर या मोटरसाइकिल भी आपको चलानी आनी चाहिए, ताजो वहाँ पे जो काम लिया जाएगा वो आपको बाईसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों एक एनेक्सर 3 करके एक नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके वो सबमिट करना पड़ेगा, वो एक सबूत होगा आपकी तरफ से कि आपको जो है बाईसाइकिल और उसके अलावा मोटरसाइकिल स्कूटर जो सभी आपको जो है ड्राइव करने आते हैं। तो दोस्तों एक बात और है यहाँ पे जो चर्चा करने वाली है, पोस्ट पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए यहाँ पे जो पिछली कोई भी एक्सपीरियंस या फिर कोई भी जो आपका सर्विस आपकी जो काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है दोस्तों, उसमें कोई भी उसका फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों इसके साथ ही जब आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें दोस्तों आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पासपोर्ट साइज़ आपकी रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 50 KB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों सिग्नेचर जो कि सेम ही फॉर्मेट में रहेगा और 20 KB के बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़रूरी है दोनों चीज़ें। तो दोस्तों ये थी जरूरी जानकारी जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो दोस्तों इसके बाद जो है वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करके उसमें से ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लेना। जाते हैं हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। अपना जो है सिटी का नाम जरूर लिखना था जो हमें पता चल सके हमारा वीडियो कौन कौन सी सिटी में देखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, जय हिंद दोस्तों।